और आए दिन इसके ऊपर हमारे साथ अभी हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, अभी अयोध्या का फैसला आने के बाद किस तरह की स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं, कैसा उत्साह वहां पर आपको लोगों के अंदर देखा जा रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कानून की खासतौर से प्रशासन काफी अलर्ट है, न सिर्फ सड़क पर बल्कि जो ऐसी जगह है जहाँ पे जश्न मनाया जा सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वामी रामदेव ने कहा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे लोग, दूसरे समुदाय के लोग असुरक्षित खुद को महसूस करें। तो उसी भावना के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में कम से कम ये स्थिति है। हालांकि कुछ दूर दराज के जो छोटे शहर हैं वहां पे भाजपा ने जरूर आतिशबाजी की है, लेकिन यहाँ पे वो प्रदर्शन फिलहाल नजर नहीं आया है। कुछ जगहों पर पटाखे फोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे दूसरे अनुयायियों की भावनाएं आहत न हो, इसके मद्देनजर प्रशासन ने उसको रोक दिया। जी, आप जैसे बता रहे हैं पटाखे फोड़ने की कोशिश की गई, तो प्रशासन का उस पर क्या कुछ कहना था, क्या कुछ सख्त एक्शन लिया गया उसके विरुद्ध? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे दूसरे लोगों पर भी फर्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं हम देखें आग भड़केगी, जिस वजह से कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। देखिए, फिलहाल प्रशासन ने रोक दिया है, पटाखे फोड़ने नहीं दिए हैं, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं उग्र हो गए और कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसे नारे लगा दिया या बयान दे दिया जो दूसरे की धार्मिक भावना, सामाजिक जो समरसता है उसको ठेस पहुंचाए, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। अभी रुपेश, जिस वजह से फैसला आ चुका है, तो कैसे रिएक्शन वहां पर तरह तरह के लोगों के आप देख रहे हैं वहां पर? तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से बातचीत की, तो आपको बता दें, लोगों से बातचीत की, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये जो फैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं। बाकी लगातार आपको बता रहे हैं और रुपेश से भी हम बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे कि किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, जिस तरह से फैसला आया है, हर कहीं हर कोई अपील कर रहा है कि शांति बनाए रखें, उसी तरह से वहां पर भी शांति हर कोई बनाए रखे हुए है। कुछ लोगों ने वहां पर पटाखे जलाने की कोशिश भी की थी, पर प्रशासन की मुस्तैदी से वहां पर उसे रोक दिया गया। आपको बताया, हम देख रहे हैं जिस तरह से फैसला आया है, आपस में हर कोई अच्छे से रहे, ऐसी हर किसी की अपील है। इतना बड़ा फैसला निकल करके सामने आया है और दोनों समुदाय के बीच जो है लंबा विवाद चल रहा था वो खत्म हुआ है, और महाफैसला से हम कह सकते हैं अयोध्या मामले में, ये एक ऐतिहासिक फैसला से माना जा सकता है। और लगातार हमारे साथ रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, जिस तरह से मैंने आपसे पूछा, फिर पूछना चाहूंगी कि किस तरह का रवैया, किस तरह के रिएक्शंस अलग अलग लोगों के वहां पर देखने को मिल रहे हैं? मुस्लिम समुदाय भी इस फैसले को लेकर के इस बात में खुश तो नहीं, खुश नजर आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संतुष्ट नजर आ रहा है कि लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया है। कई मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनसे हमने बातचीत की और फिलहाल स्थिति बहुत काबू में है, तनावपूर्ण नहीं है और जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, वो कायम है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस ने एक बहुत क्लियर कट स्टैंड लिया है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक कल होने वाली थी, वो बैठक आज हो गई और इस बैठक में ये फैसला किया गया और उससे पहले भी कि क्या कुछ बोलना है। एक तो इसको लेकर के जो भी डिस्कशंस होंगे और इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जाएगी, कांग्रेस उसमें शरीक नहीं होगी। अयोध्या के मसले पर कांग्रेस ने कहीं भी जाने से मना कर दिया है। दूसरी, कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है, कहा है कि लंबे समय से जो विवाद था उसका पटाक्षेप हुआ, लेकिन साथ ही साथ
आरोप ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है उस राजनीति के दरवाजे भी आज से बंद हो गए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस बहुत ज्यादा इस पे बोलने की कोशिश नहीं करेगी। कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि भाजपा की बजाय इसका श्रेय कोर्ट को मिले कि वहां पे जो हिंदुओं की भावनाएं थी, जिस तरह से हिंदू चाहते थे कि लंबे समय से मंदिर बने, तो उनकी भावनाएं आज मूर्त स्वरूप ले रही है, तो उनकी इच्छा के अनुरूप वहां पे मंदिर बनेगा। लेकिन इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को ना जाए, लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर के संतोष है कि एक लंबा मुद्दा जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी 1989 से लगातार राजनीति करती आई है, अब वो मुद्दा धीमे धीमे खत्म हो जाएगा। क्योंकि मंदिर बन जाने के बाद उसका श्रेय जरूर मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। चलिए रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार आपको खबर बता रहे हैं, अयोध्या मामले पर फैसला आ चुका है और हर कहीं से हम अपडेट ले रहे हैं, हर कहीं हर कोई देखा जाए तो हर किसी का रिएक्शन जो है नॉर्मल आ रहा है, हर कहीं शांति हम देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।